शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। शरद पूर्णिमा 19 अक्टूबर को है, तो इसकी व्रत कथा आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप शरद पूर्णिमा पर व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो भी आप जरूर कोशिश करें कि व्रत की कथा सुने, इससे भी आपको उतना ही फल मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुपर आइडियाज़ पर, जहां पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूं इसी तरीके से तीज त्यौहार व्रत के बारे में कथा कहानियां, मुहूर्त और भी काफ़ी जानकारी। तो शरद की भीनी भीनी ठंड में श्रद्धालु अपने परिवारजनों के साथ शरद की पूर्णिमा को उत्साह से मनाते हैं। मान्यता है इस दिन रात्रि 12 बजे चंद्रमा से अमृत गिरता है और चंद्रमा के इस आशीर्वाद को पाने के लिए खीर अथवा मेवे वाला दूध बनाकर घर की छत पर रखा जाता है, जिसके चारों तरफ परिवारजन बैठकर भजन करते हैं। रात्रि 12 बजे के बाद चंद्रमा की पूजा की जाती है और खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार बहुत पुराने समय की बात है, एक नगर में एक सेठ यानी कि साहूकार की दो बेटियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते हुए ही मर जाती थी। उसके पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ जो कुछ दिनों बाद ही फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे यानी कि पीढ़े पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया, फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हुआ है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। तो ये कहानी है शरद पूर्णिमा के व्रत की। इसी तरीके से और कहानी, आरती, मुहूर्त, त्यौहार के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।